जगन्नाथ भगवान एकमात्र ऐसे ठाकुर जी रात में सुबह से भी ज्यादा श्रृंगार करते हैं सोने से पहले। जगन्नाथ भगवान वैसे तो जगन्नाथ जी की पलकें नहीं है, खुली हुई आंख रहती है हमेशा। पलक क्यों नहीं है उसके पीछे कारण बताते हैं, बेचारे इतने सारे वैष्णव आते हैं, कोई वैष्णव आया भीड़ भाड़ की वजह से वो मुझे नहीं देख पाया, तो कम से कम मैं तो अपनी आंख खुली रखूं उसको देखता रहूं, इसलिए पलक नहीं है जगन्नाथ जी की। लेकिन जब रात्रि श्रृंगार होता है ना जगन्नाथ जी का, तो कभी जाइए रात में शयन का दर्शन करना, तो पुष्पों की पलकें बनाई जाती हैं जगन्नाथ जी को, ऐसे आंखों के ऊपर से ऐसे धाराएं जाती हैं। क्यों? अब ठाकुर जी सोएंगे, पुष्पों से पलक बनाएंगे, पुष्पों से हाथों के पंजे बनाएंगे, पांच ऐसे लटका देते हैं हाथों के आगे, ऐसे हाथ लटकते हैं पांच, उंगलियां दिखती हैं। मैंने पुजारी जी से पूछा, मैंने कि यार सुबह तो इतना श्रृंगार नहीं करते और अब शयन का समय ठाकुर जी का इतना श्रृंगार क्यों? तो पुजारी जी बोले, हमारे जगन्नाथ जी कपाट बंद होते ही अंतर ध्यान हो जाते हैं, चले जाते हैं। यानी कहाँ जाते हैं? बोले वृंदावन जाते हैं। मतलब श्री जगन्नाथ जी भी अपना अखंड वृंदावन वास नहीं छोड़ते, दिन भर वो पुरी में रहते हैं लेकिन रात्रि होते ही श्री वृंदावन चले जाते हैं। और श्रृंगार क्यों करते हैं फिर? भाई वृंदावन गए तो वृंदावन चलो सोने गए, श्रृंगार क्यों? बोले वृंदावन में ठाकुर जी सोने थोड़े ही गए, बोले सब गोपियां और श्री राधा रानी प्रतीक्षा रहते हैं वृंदावन में राज विहार के लिए, इसलिए श्री जगन्नाथ जी का अद्भुत श्रृंगार किया। आज से 14 दिनों के लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी होने वाले हैं बीमार। मान्यताओं के अनुसार हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि पर भगवान जगन्नाथ का सहस्र स्नान होता है, जिसे स्नान यात्रा भी कहते हैं। इस दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी, देवी सुभद्रा और बलभद्र जी को 108 घड़ों का स्नान कराया जाता है। स्नान करने के कारण बीमार हुए महाप्रभु का 14 दिन तक इलाज होता है, जिसमें उन्हें कई प्रकार की जड़ी बूटियों का काढ़ा दिया जाता है। बीमार होने की वजह से 14 दिन तक भक्तों को महाप्रभु का दर्शन नहीं होते हैं और मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। फिर महाप्रभु जगन्नाथ जी, देवी सुभद्रा और बालभद्र जी की मूर्तियां 15 दिन बाद यानी रथ यात्रा से ठीक एक दिन पहले जनता के दर्शन के लिए प्रकट होती है। जगन्नाथ पुरी में हुआ जिंदा चमत्कार। जब पुरी के भगवान जगन्नाथ को हुआ पेट में दर्द। दोस्तों, पुरी में जगन्नाथ जी को हर दिन 56 भोग खिलाए जाते हैं। इतना सारा भारी खाना रोज खाने से जगन्नाथ जी का पेट खराब हो सकता है, ऐसा सोचकर जगन्नाथ जी को अपना इकलौता बेटा मानने वाली लेंदी माता नाम की उनकी एक भक्त जगन्नाथ जी को खिलाने के लिए नीम का चूर्ण लेकर रात में पुरी के मंदिर आती है, पर द्वारपाल उस पर हंसकर उसे अंदर नहीं जाने देते और उसका नीम का चूर्ण भी फेंक देते हैं। लेंदी माता रात भर ये सोचकर रोती रही कि बिना चूर्ण खाए कहीं जगन्नाथ जी के पेट में रात में दर्द न होने लगे। उसी रात पुरी के राजा के सपने में पेट दर्द से चीखते वे जगन्नाथ जी आए और गुस्से से बोले कि आपके द्वारपाल मेरी माता को मुझे दवाई देने से क्यों रोकते हैं। उसी रात पुरी के राजा ने लेंदी माता के घर जाकर उनसे नया नीम का चूर्ण बनवाकर जगन्नाथ जी को अर्पित किया। आज भी लेंदी माता की याद में रोज जगन्नाथ जी को भोग के बाद नीम का चूर्ण खिलाया जाता है। सारे भक्त कमेंट्स में दिल से लिखे जय श्री जगन्नाथ भगवान। ये मंगल गीत रोज जगन्नाथ पुरी में सुबह में गाया जाता है मंदिर में। सीता का माला कुछ मंडला कुंडलाए कलिता ललिता बना माला जय जय देव हरे दीना मणि मंडला मंडना भव खंडनय मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे कलिया विषधर गंजन जन रंजनय यदुकुल ललिना दिनेश जय जय देव हरे मधु मोर नर कविनाशन गरुड़ासन सुरकुल के निदान जय जय देव हरे अमल कमल दल लोचन भव मोचन त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव हरे जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समर समित दस कंठ जय जय देव हरे
अभिनव जलधर सुंदर घृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे तब चरणों प्रणताभयम् इतिहास